हे गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ आप सभी लोग के लिए एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं अपने लिए बेस्ट एप्पल क्लोन वॉच परचेस करना, तो ये वॉच आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वॉच में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिखने को मिल जाता है, साथ ही साथ एग्जैक्ट ओरिजिनल की लुक भी दिखने को मिल जाती है। तो गाइस, वीडियो को इन तक देखते रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कहाँ से आप इस वॉच को परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन। कुछ इस टाइप के बॉक्स पैकेजिंग में दिखने को मिल जाता है हमारा वॉच। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की इमेजेस दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर वॉच की कुछ डिटेल दी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायल आपको दिखने को मिलता है वो मिलता है 49 mm का। उसके अलावा स्पेस अल्मोनियम केस दिखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इस वॉच में 49 mm का टाइटेनियम केस दिखने को मिल जाता है, और यहाँ पर मॉडल नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि है एनेट अल्ट्रा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और डिटेल दी गई है, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको 2.02 इंच का बड़ा TFT डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा बैटरी भी आप देख सकते हैं आपको 380 mAh का बैटरी दिखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लार्ज बैटरी है, जिससे कि आपको अपने वॉच में 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा वॉच यहाँ पर वाटरप्रूफ भी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऐप जिसके मदद से आप लोग अपने वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल दी गई है जो कि है वियर फिट प्रो। यानी कि आप लोग डायरेक्टली इस QR को स्कैन करके अपने मोबाइल में वियर फिट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखने को मिल जाता है, जैसा कि आपने देख लिया। चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट दिखने को मिलता है। सो गाइस, जैसे ही हम लोग ने यहाँ पर बॉक्स को अनबॉक्स किया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक यूज़र मैनुअल दिखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप पहली बार इस वॉच को चेक करने वाले हो, तो इस यूज़र मैनुअल को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक स्ट्रैप दिखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो यहाँ पर स्ट्रैप है वो भी आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर का यहाँ पर आपको ओशियन बैंड दिखने को मिल जाता है। बेसिकली ओशियन स्टाइल में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप दिखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर स्ट्रैप है वो काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो कलर है, वो बहुत ही बेहतरीन और ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाता है। तो इसे भी अभी के लिए रखते हैं साइड। उसके बाद ये रहा हमारा एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन, इसे अभी साइड रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या दिखने को मिलता है। सो गाइज, यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दिखने को मिल जाता है वायरलेस चार्जर, जिसके मदद से हम लोग अपने अल्ट्रा वॉच को यानी कि एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वायरलेस यहाँ पर चार्जर दिया गया है वो भी हमें ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाता है। तो गाइस, बॉक्स के अंदर तो हमें बस यही कुछ दिखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपने एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले तो इसके रैपर को हम लोग यहाँ पर हटा लेते हैं, और रैपर को हटाने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन में अगर इसकी लुक के बारे में बात करें, तो गाइस आपको हर एक तरह से जो लुक है वो ओरिजिनल एप्पल के यहाँ पर वॉच अल्ट्रा की तरह दिखने को मिल जाती है। तो गाइस, अगर आप इसे पहनते हैं तो आपके कोई भी फ्रेंड अगर इसे चेकआउट करते हैं, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये आप क्लोन वॉच आपने पहना हुआ है। सो बेसिकली अगर लुक की बात करें ना, तो आपको एकदम ही ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाता है। चाहे आप फ्रंट की बात करें, बैक की बात करें, बटन्स वगैरह जो दिखने को मिल जाते हैं वो आपको एग्जैक्ट ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाती है। अब इस फीचर को तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहली बात है लुक, और लुक वाइज में देखा जाए तो आपको एग्जैक्ट ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बता देता हूँ, सीरीज 7 या सीरीज 8 की तरह यहाँ पर किसी भी तरह का कर्व डिस्प्ले दिखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओरिजिनल है, जिसमें जिस टाइप का आपको फ्लैट डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है, उसी तरह का यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है। उसके अलावा इस साइड में आप देख सकते हैं आपको एक्शन बटन दिया गया है, और ये वर्किंग है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। साथ ही साथ इस तरफ में आपको स्पीकर दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, माइक, और यहाँ पर आपको डिजिटल क्राउन बटन दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको डायल के डिटेल तो बता ही दिया है, यहाँ पर आपको 49 mm का टाइटेनियम केस दिखने को मिल जाता है। बात करें इसके बैक लुक के बारे में, तो गाइस बैक से भी आपको ओरिजिनल एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह दिखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेरेमिक ग्लास दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी सेंसर्स वगैरह वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखने को मिल जाता है, और सारे सेंसर्स वर्किंग भी है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं
अल्मूनियम है, सेरेमिक केस दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर वाटरप्रूफ ये वॉच है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर हार्ट रेट का भी फीचर दिखने को मिल जाता है, तो ये सब कुछ फीचर आपको दिखने को मिल जाता है और लुक वाइज भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं आपको रैपर दिखने को मिल जाता है, तो रैपर को भी मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली जो अनबॉक्सिंग की एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतरीन आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वॉच का तो आपने पूरा लुक देख लिया है, काफ़ी ओरिजिनल की तरह दिखने को मिल जाता है, कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये क्लोन वॉच पहन रखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने वॉच में स्ट्रैप को भी लगा लेते हैं। तो स्ट्रैप लगाना काफ़ी इजी है, सिंपली यहाँ पर आपको स्लाइड करना रहता है और आपका जो स्ट्रैप है वो यहाँ पर ईजिली लग जाता है। एंड स्ट्रैप लगने के बाद आप लोग इसे डायरेक्टली पहन सकते हैं। एंड गाइस पहनने के बाद जो लुक आपको दिखने को मिलती है वो बहुत ही बेहतरीन दिखने को मिलती है और बहुत ही कंफर्टेबल वॉच है पहनने में भी। तो जब भी आप इसे पहनते हैं आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अपने वॉच को ऑन करते हैं और इसके सारे फीचर्स को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को आपको कुछ देर के लिए प्रेस करना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रेस कर रखा है और प्रेस करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉच है वो हमारा ऑन हो चुका है। सो गाइस सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले क्वालिटी को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव दिखने को मिल जाती है और यहाँ पर जो अलग अलग तरह के आपको वॉच फेसेस दिखने को मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल जो यहाँ पर वॉच अल्ट्रा का सीरीज यहाँ पर वॉच फेस है वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और अलग अलग वॉच फेसेस दिखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके और भी अलग अलग फीचर्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहले जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्वाइप करते हैं आपको स्प्लिट मोड दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर साइड में आपको कंट्रोल पैनल दिखने को मिल जाता है, जहाँ से आप लोग बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ब्लूटूथ को कंट्रोल किया जा सकता है, पावर यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ब्राइटनेस को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिल जाता है और भी काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं, लाइक क्लॉक वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ को आप कंट्रोल पैनल के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा नीचे से आपको मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस साइड पे स्क्रॉल करने पे आपको अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर ऐप के थ्रू स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा कितने स्टेप्स आपने आज चले हैं आज दिन में, वो सब कुछ डिटेल दिखने को मिल जाता है। स्लिप का यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिल जाता है और भी अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम दिखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो सेंसर्स हैं वो वर्किंग है और यहाँ पर हार्ट रेट का जो ऑप्शन है वो भी दिखने को आपको मिल जाता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस यहाँ पर जो एक्शन बटन है वो भी वर्किंग है और आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करने पे आपका जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है और इस ऑप्शन पे यानी कि जो ऑप्शन आप खुलवाना चाहते हैं उसे आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चलिए इसके और भी अलग अलग फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डिजिटल क्राउन बटन है उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मेन मेन्यू स्टाइल है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हनीकॉम स्टाइल में आपको देखने को मिल जाता है। और आप लोग चाहे तो इसके जो यहाँ पर मेन मेन्यू स्टाइल है उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुक दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ इस टाइप का लुक दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप का लुक भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के आपके मेन मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन भी दिखने को मिल जाता है। चलिए अब इसके और भी अलग अलग फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम दिखने को मिल जाता है, स्लिप मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। उसके अलावा वेदर, फिटनेस क्लासेस के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है तो आप लोग डायरेक्टली कॉलिंग वॉच है फ़ोन लगा सकते हैं, किसी भी नंबर को डायल करके फ़ोन लगा सकते हैं या फिर आपके मोबाइल के पे किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या फ़ोन आता है तो वो वॉच भी दिखने को मिल जाता है। एल्टीट्यूड एंड बैरोमीटर भी आपको दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन मीटर भी दिखने को मिल जाता है, तो बेसिकली आप लोग ऑक्सीजन को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैसेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, कैलकुलेटर आपको दिखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेशर, यहाँ पर आपको प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, सारे डेटा, टाइमर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है, लाइक आपने कितने स्टेप्स चला है, क्या क्या कैलोरी कितनी कंज्यूम हुई है, वो सारे डिटेल्स आपको दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इनडोर स्पोर्ट्स के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लोग इनडोर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पर गेम्स भी दिखने को मिल जाता है
और यहाँ पर अलार्म्स के अलग अलग फीचर्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाता है, और ये जो क्राउन है वो भी वर्किंग है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट, आउटडोर के अलग अलग स्पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, ऐप स्टोर भी दिया गया है, तो आप लोग अलग अलग तरह के ऐप को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐप के थ्रू मतलब कि अपने मोबाइल के थ्रू अलग अलग ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। स्टॉप वॉच सेटिंग में अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, कैमरा को डायरेक्टली अपने वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में भी अलग अलग फीचर हैं, जैसे कि यहाँ पर हैंड को रेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर बेड का ऑप्शन मिल जाता है यानी कि क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन ऑफ का ड्यूरेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, आपका जो वॉच है वो कितना यहाँ पर ऑन रहेगा कितने ड्यूरेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग, टाइम सेटिंग, यहाँ पर ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का सेटिंग भी मिल जाता है, कॉल सेटिंग मिल जाता है तो कॉल के सेटिंग को भी चेक कर सकते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन के जितने भी वो है वो सब कुछ देख सकते हैं। साइड की फीचर जैसा कि मैंने बताया था, जो यहाँ पर एक्शन बटन दिया गया उसको यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि इस पर क्लिक करते ही यानी कि इसको यहाँ पर जैसे आप लोग बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन खुलना चाहिए वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अलग अलग फीचर्स आपको सेटिंग में दिखने को मिल जाता है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, जो मोबाइल में फीचर दिया जाता है वही वॉच में भी दिखने को मिल जाता है, हेल्थ रिमाइंडर भी आपको यहाँ पर मिलते रहता है रेगुलरली, पावर सेविंग मोड मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हैं बैटरी परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाना यानी कि बैटरी बैकअप को बढ़ाना तो यहाँ पर पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है तो अपने वॉच पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको रीसेट शटडाउन ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर सारे डिटेल्स को आप लोग चेक कर सकते हैं अपने वॉच का, मोबाइल से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और भी अलग अलग फीचर जैसे कि रीसेट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस अब जान लेते हैं कि कैसे आप लोग अपने एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में वियरफिट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही साथ अपने मोबाइल से अपने वॉच को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली ब्लूटूथ को ऑन करना है, और यहाँ पर एनेट अल्ट्रा जो वॉच है उसे अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है, और यहाँ पर जो डिवाइस है उसमें आपका जो वॉच है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो वॉच है वो कनेक्टेड यहाँ पर शो होगा, और जो डिटेल्स है वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल के ऐप पे देख सकते हैं, लाइक अपने यहाँ पर वॉच के जो बैटरी परसेंटेज है वो चेक कर सकते हैं, और भी अलग अलग डिटेल जैसे कि कितने स्टेप, कितने कैलोरीज आपने बर्न किया, कितने डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो सब देखने को मिल जाता है। अलग अलग तरह के डाइस मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग अलग अलग वॉच फेसेस को भी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं कस्टम वॉच फेस को। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अलग अलग फीचर्स जैसे कि नोटिफिकेशंस, आप कौन कौन ऐप के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे चाहते हैं वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी आप यूज़ करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस कार्ड भी आप लोग यहाँ पर अपने डायरेक्टली वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं, वेदर का ऑप्शन मिल जाता है, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है जिसके मदद से आपका जो वॉच है अगर कहीं भूल जाता है, अगर लॉस्ट हो जाता है आपका वॉच, तो आपका जो वॉच है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉलेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली फोटो को क्लिक कर सकते हैं अपने वॉच के थ्रू। उसके अलावा यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि डुअल आवर क्लॉक, रेज योर वेस्ट और आवरली ऑटोमेटिक मेजरमेंट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग अपने वॉच को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं, अपने वॉच के डिवाइस के इन्फो को चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऐप में देखने को मिल जाता है, कस्टम यहाँ पर वॉच फीचर्स को आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक्सरसाइजेस के अलग अलग फीचर देखने को मिल जाता है, और जो भी डिटेल है जो आपके वॉच में है वो यहाँ पर आपको मोबाइल में देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसी तरह आप लोग अपने एंड्रॉयड और आईओएस फोन में डायरेक्टली वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐप के थ्रू डायरेक्टली और भी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन के सारे फीचर्स और लुक को तो देख लिया। अगर आप भी चाहते हैं अपने लिए बेस्ट एप्पल क्लोन वॉच परचेस करना तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो गाइज आप इसे सिर्फ 2500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, सिर्फ 2500 में आपको ये वॉच देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि कहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं, तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेंडिंग स्टोर ऑफिशियल का इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इनके इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। ट्रस्टेड सेलर है, इनके पास आपको सभी तरह के एप्पल के प्रोडक्ट यानी कि एप्पल क्लोन प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, सभी तरह के यहाँ पर वॉचेज और एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाता है। तो आप इन्हें यहाँ पर डायरेक्टली इनसे परचेस कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी
ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग का ऑप्शन भी दिखने को आपको मिल जाता है। तो गाइज घर बैठे अपने लिए इसे आप लोग डायरेक्टली इस वॉच को ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। और गाइज यहाँ पर आपको व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप इन्हें बात करके यानी कि व्हाट्सअप पे बात करके भी अपने लिए इस वॉच को ऑर्डर दे सकते हैं। तो गाइज ट्रस्टेड सेलर है, फटाफट जाके अपने लिए इस वॉच को ऑर्डर कीजिए। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।